स्क्रू मूव्स इन इट्स नट, जिसमें इसे फिट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नट। तो जब ये स्क्रू इस नट में फिट करते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब इस स्क्रू में जैसे थ्रेड है, बिल्कुल वैसे ही उसी मेजरमेंट के थ्रेड इस नट के अंदर भी हैं, ठीक है। जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं, इसको इस तरह से घुमाते हैं, When you rotate the screw, हम इस स्क्रू को रोटेट करते हैं ना, तो ये स्क्रू घूमता भी है और आगे की ओर इस नट में बढ़ता भी है। When we rotate this screw, ये घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। जब हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो स्क्रू अपने नट के अंदर दो थ्रेड्स के बीच जितनी ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। ये है हमारा स्क्रू केस। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसको पूरा खोल देते हैं। सो हेयर आर टू पार्ट्स ऑफ आर स्क्रू गेज, इंट्रोड्यूस होते हैं इनसे। दिस इज यू शेप्ड फ्रेम, सिंपलेस्ट पार्ट। दिस स्मॉल प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ दिस फ्रेम इज कॉल्ड स्टड, ठीक। अब ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर ओवर विच दिस स्केल इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड स्लीव। नाउ कैन यू सी द थ्रेड्स इन साइड दिस सिलेंडर, हल्का हल्का दिख रहे होंगे थ्रेड्स। तो ये जो थ्रेड्स हैं, ये किस में बने हुए हैं, ये जो स्लीव है ना, ये एक्चुअली नट की तरह एक्ट करेगा, और ये जो अंदर थ्रेड्स बने हुए हैं, ये हमारे उस स्क्रू के लिए हैं जो अब हम समझने जा रहे हैं। ये हमारा स्क्रू है, इसका ये जो फ्लैट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल, ठीक। दीज थ्रेड्स मार्क्ड हेयर, सी वेरी फाइन थ्रेड्स, स्क्रू के थ्रेड्स हैं जो यहाँ हैं। और ये कहाँ फिट होंगे, अभी हमने थ्रेड्स दिखाए थे नट में, ये स्क्रूज वहाँ जाकर फिट होंगे। और इन दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस पिच कहलाती है। जब ये स्क्रू एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस आगे या पीछे बढ़ेगा, जो दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस है। ये इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, कि जब ये एक कंप्लीट रोटेशन करे, तो ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है, ठीक। अब इसको देखो, दिस इज एक्चुअली अ सिलेंडर विच इज कवरिंग द स्क्रू, और इस सिलेंडर के ऊपर भी तुमको स्केल दिख रही है, लाइंस दिख रही हैं। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल, और सम टाइम हेड स्केल, और सम टाइम थिम्बल। और इसके एकदम लास्ट में ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रैचेट, दिस पार्ट इज रैचेट। और इसका काम क्या है, जब कभी भी हम स्क्रू गेज को मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, तो हम स्क्रू को नट के अंदर या बाहर आगे बढ़ाने के लिए या पीछे बढ़ाने के लिए इस रैचेट को पकड़कर उसे आगे या पीछे बढ़ाएंगे। जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो स्क्रू आगे बढ़ेगा। जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो स्क्रू पीछे घूमेगा, पीछे हटेगा। स्लीव पे जो स्केल है, उसे मेन स्केल बोलते हैं, ये मूव नहीं करती। और ये जो स्क्रू है, ये अंदर या बाहर होता है, और सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पे या स्लीव पे आगे या पीछे मूव करता है। ये सर्कुलर स्केल पे जीरो है, और यहाँ इस लाइन को देखो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन और बेस लाइन। ये जो जीरो है, ये इस समय बेस लाइन पर है, ठीक है, और ये तुमको टू दिख रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूँ, तो इसका मतलब क्या है, कि मैंने जीरो को इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, तो जीरो कहाँ से चलना शुरू हुआ,
घूमना शुरू हुआ इस रेफरेंस लाइन से, और जब ये जीरो घूमकर वापस बेस लाइन पर या रेफरेंस लाइन पर आ जाएगा तो हम कहेंगे एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। ये देखो, ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, और एक कंप्लीट रोटेशन में ये टू पूरा दिख रहा था, अभी ये इसका कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है। तो जब मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये स्क्रू जो है ना वो इस स्लीव के अंदर, इस मेन स्केल को जिसे हम नट कह रहे हैं, इसके अंदर आगे बढ़ गया। ये जो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनी हुई है, एक छोटी सी डिवीजन इसकी 1 मिलीमीटर की है, लेकिन ये जो नीचे एक लाइन बनी है ये एक्चुअली इस ऊपर वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। नीचे वाली लाइन और इस ऊपर वाली लाइन के बीच ये छोटा सा डिस्टेंस, ये है 1/2 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इस स्क्रू गेज में जब मैं इसे एक रोटेशन देती हूँ तो ये इस 0.5 मिलीमीटर के बराबर आगे बढ़ जाता है, और अब मैं इसको एक पूरा रोटेशन दे देती हूँ। और देखो तुम कि जीरो वापस से अपनी रेफरेंस लाइन पर आ गया, जीरो वापस से रेफरेंस लाइन पर आ गया है, और अब ये जो छोटी वाली लाइन है ना पूरी ढक गई, यानी 0.5 मिलीमीटर। सो पिच इज दैट डिस्टेंस विच इज मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन, एंड दिस डिस्टेंस विच इज कॉल्ड पिच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। नाउ केयरफुली अंडरस्टैंड, दिस इज मेन स्केल और इसका एक डिवीजन, ये ऊपर वाला, ये 1 मिलीमीटर है जो नॉर्मल स्केल हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि इस 1 मिलीमीटर को ये नीचे वाली लाइन इक्वल हाफ्स में बांट रही है। तो ये देखो, ये जो रेड पार्ट है ये 0.5 मिलीमीटर और ये ग्रीन पार्ट 0.5 मिलीमीटर। तो ऊपर वाली जो 1 मिलीमीटर की डिवीजन है वो 0.5 मिलीमीटर में स्लीव पर डिवाइडेड है। तो स्लीव पे एक डिवीजन कितनी बड़ी है? 0.5 मिलीमीटर। ये जो लाइन है ना, ये छोटा सा पार्ट है, ये रेड शेडेड एरिया, ठीक। और ये देखो जीरो कहाँ पर है, ये जीरो सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन पर है, और अब हम इसे एक कंप्लीट रोटेशन दे देंगे और ये रेड शेडेड एरिया पूरा कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दिया तो सर्कुलर स्केल 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ गया। मिनिमम लेंथ विच ए स्क्रू गेज कैन इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल।